राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BW टुडे बापर में। आपका भी मंडी स्वागत करता है, कृषि उपज मंडी भवानी मंडी संतरा मंडी में। आज दिनांक 20 मार्च 2024 वार की बात की जाए तो वार बुधवार। आज मैं संतरा मंडी में थोड़ा उछाल देखने को मिला, लगभग 4 से 5 रुपए ठीक होते हुए 25 रुपए किलो तक जो क्वालिटी बिक रही थी वो 27-28-29 रुपए तक में देखने को मिली है। साथ में मीडियम मालों में 2-4 रुपए ठीक हुए। लेकिन एक निवेदन करना चाहेंगे किसान भाइयों से, कभी भी जब मान लो कि आज में माल का अगर माल के बजट ठीक हुए हैं, आज में अगर तेजी बनी है, तो निवेदन है कल में अचानक से प्रेशर की रेट ना करें। अभी हमने जो चीज समझी है ये समझी है कि सोमवार में 250 ट्रक की आवक थी, मंगलवार को लगभग 15 ट्रक कम हो गए और आज में 10 ट्रक और कम हो चुका। जितना माल की आवक कम हुई है वैसे वैसे बाजार बढ़े। कल में भी 8-1 रुपया ठीक हुआ था और आज में 4 से 5 रुपये ठीक किए। अब अगर लगातार आप लोग इसी प्रकार, जैसे मान लो कि आज बाजार ठीक हुए, कल अगर माल लेके आते हैं, तो उससे क्या होता है कि व्यापारी आपका शोषण करता है। शोषण इसलिए करता है क्योंकि आज बाजार बढ़ा दिया, कल अचानक से बम्पर आवक होगी। अब बम्पर आवक आने के बाद में क्या कि लेवाल तो गिनती के 20 से 30 जो है उनको एक गाड़ी दो गाड़ी बनानी है, तो 60-70 ट्रक की उनकी क्षमता है। बाकी फिर कहीं ना कहीं आप लोगों को शुरू का काम होता है, फिर कम भाव में आपको माल बेचना पड़ता है। निवेदन है आपसे, जब भी आज बाजार प्लस है तो कल अभी माल लेके आना है। 2-4 दिन अभी माल को थोड़ा थोड़ा करके निकाले। अगर मान लो आपके 2 ट्राली लानी है तो 2 ट्राली लेकर आए, 1 ट्राली लेकर आए, और 1 ट्राली है तो 1 ट्राली को आज लाना तो कल लाए, मतलब आगे पीछे करो, उस चीज को एडजस्ट करें कैसे भी करके। मतलब माल का जो प्रेशर हो, प्रेशर क्रिएट ना करें किसी प्रकार से कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में, ताकि आपको अच्छा भाव मिल सके। जितना माल का आवक बढ़ेगा, आवक का प्रेशर बढ़ेगा, आप लोगों के भाव में कहीं ना कहीं कमी आएगी। इसलिए निवेदन है आपसे, थोड़ा आवक के प्रेशर को कंट्रोल करने में आप सब भाई सहयोग प्रदान करें तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा पैसा देखने को मिल सकता है, अच्छी कमाई आपकी हो सकती है। मैं ये चीज एनालाइज कर पाया हूँ, ये चीज समझ पाया हूँ अभी तक में, कि जब भी हमने तेजी का वीडियो डाला अगले दिन में खतरनाक आवक आई है और आवकों का असर कहीं ना कहीं बाजार में देखने को मिला है। तो निवेदन आपसे कि कल में आवक का प्रेशर क्रिएट ना करें, अभी 2-4 दिन थोड़ा माल कम लाना शुरू करें। ऐसा ना कल अगर आपको 3 ट्रैक्टर बेचने, 3 ना बेच के 1 ट्रैक्टर बेचे, धीरे धीरे करके आपका माल निकालना शुरू करें ताकि आप लोगों को अच्छे भाव मिल सके। ठीक है भाई, जय श्री राम। साथ में निवेदन आपसे ये भी, जो भी भैया हमें आर्थिक सपोर्ट करना चाहते हैं, वीडियो में हमारा फोन पे नंबर है। हाँ, कोई शर्म की बात नहीं है, जिसके पास में 10 की 100 की 50 क्षमता नहीं है, वो 1 रुपया 2 रुपये जो आपकी यथाशक्ति हो वो आप सेंड कर सकते हैं। इससे हमें आर्थिक मनोबल मिलेगा और हमारा आर्थिक मनोबल आप लोगों को आगे ले जाना काम करेगा। समय समय पे आपको जो जानकारी चाहिए जिससे आपको फायदा मिल सके, वो सारे काम हम करेंगे। साथ में निवेदन ये, जो भाई जंगल में माल बेच रहे हैं, जो भी किसान भाई जंगल में माल बेच रहे हैं, उनसे निवेदन ये कि आप वीडियो को पूरा एनालाइज करें। ऐसा नहीं है, अगर हमने आपको 27-28 का भाव का अगर कोई लाट दिखाया तो आप अपने एवरेज माल की जो 15-17 रुपए का, उसकी क्वालिटी 28-29 पकड़ ले, थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। व्यापारी भाई का भी परिवार है, थोड़ा सा निवेदन है आपसे, उन व्यापारी भाइयों की चिंता करें। वो आपका तोड़ भी करते हैं, सब चीजें करते हैं, वहाँ व्यवस्थित आपको कहीं ना कम पैसे में आपका काम हो रहा है। तो निवेदन आपसे ये भी है कि कभी अगर मान लो कोई व्यापारी भाई अगर आपके यहाँ पे आता है और वो आपसे कहता है कि साहब इतने रुपए मन में, तो 1-2 रुपए एडजस्ट करना चाहिए आपको, ताकि उसका भी घर परिवार चलता रहे और आप समय फ्री हो जाए। और अभी बाजार ठीक हुए हैं, आज भी 4-5 रुपए ठीक हुए हैं, आव के भी आज कम है, आज में 10 ट्रक और कम है, कल 15 ट्रक कम थे, आज में 10 ट्रक कम है। ये पकड़ चले मोटा मोटा आइडिया आप, लगभग 200 ट्रक माल है कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में संतरा मंडी के अंदर, 250 ट्रक सोमवार को था, 50 ट्रक कम हो चुके हैं 2-3 दिनों के अंदर। तो आवके को प्रेशर थोड़ा कम क्रिएट करें, ऑटोमेटिक बाजार ठीक हो जाएंगे। ठीक है भाई, जय श्री राम। साथ में व्यापार को विशेष ध्यान रखें, जो भी हम आर्थिक मनोबल लेना चाहते हैं, फोन पे नंबर रहेंगे 1 रुपया 2 रुपये 3 रुपये, जितने आपकी शक्ति हो हिसाब से आप सेंड कर सकते हैं, ताकि हमें आर्थिक मनोबल मिलता रहे। ठीक है भाई, जय श्री राम। साथ में निवेदन ये, वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके भाई पे अपना प्रेम आशीर्वाद बनाकर रखें। जय श्री राम, मिलते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाना शुरू करते हैं माल, आप देख सकते हैं काली मस्सी वाला माल है और गोली वाला माल है, आप देख सकते हैं इसके अंदर में काली मस्सी ऐसे देखने को मिल जाएगी आपको, मक्खी नहीं है इसके अंदर, काली मस्सी की शिकायत है केवल और केवल। और दाने की बात करें तो 41 नंबर 205 नंबर दाना इसमें देखने को मिलेगा, 41 नंबर लगभग 40 से 50% होगा और लगभग 63% इसमें गोली भी देखने को आपको मिल सकता है। ऊपर ही आप देख सकते हैं छोटी छोटी संतरा आपको देखने को मिल सकती है। क्या विकास की रेंज की बात करते हैं, 16 क्विंटल 40 किलो मन की बात करें तो 41 मन और बिका है आपके 20,000 रुपये, ये बिका लगभग आपके 11.5-12 रुपए किलो, सबसे कम रेंज का माल दिखा रहा हूँ। अब निवेदन आपसे क्या है कि इस तरह का जो माल है आप देख सकते हैं क्या है, माल में लूज हो चुका है, माल देख सकते हैं आप, लूज हो गया, पूरा माल लूज हो चुका है। और संतरा की अगर बात की जाए, संतरा आप देख सकते हैं कट्टे फटे संतरा भी इसके अंदर में से निकल रहे हैं। गोली वाला माल है, काली मस्सी लगी हुई है, मतलब बिल्कुल ही हल्का माल है। ऐसे माल से आपको वीडियो दिखाने का कारण केवल यही है, अगर इस प्रकार का माल हो, अगर आप उस व्यापारी भाई से 17-18 रुपये की मांग करें तो ये जायज़ बात नहीं है। कहीं ना कहीं 11-12 रुपये की समथिंग रेंज का माल है, तो आपको 10-11 में उसको देने की
उसका भी घर परिवार चलता है 10-11 में और आपका भी काम हो जाए दोनों को। आप यहाँ मंडी में लाते हैं, यहाँ पे खर्च लगता है कहीं ना कहीं, तो अगर वहां पे देते हैं आप तो लगभग 10 रुपए की रेंज का माल है, माल आप दे सकते हैं कुछ प्रकार का व्यापारियों के लिए, 1-2 रुपए वो कमा सकता है। पास ही में एक और डेयर है काली मस्सी वाला, साइज फुल है, देख सकते हैं आप, और माल किस प्रकार का है, माल कुछ प्रकार का है देख सकते हैं, ऊपर में मुंह बना रखा है, नीचे में सब तरह का माल है। काली मस्सी वाला माल है, क्या विकराज की रेंज की बात करते हैं, 14 क्विंटल 5 किलो, मण की बात करें तो 35 मण 5 किलो, वो बिका ये 23,000 रुपये, ये बिका आपके 17.5 रुपये किलो। अच्छा बिकने के कारण उसकी साइज है मेन, तो साइज अच्छी शानदार फुल साइज का माल है इसलिए थोड़ा ठीक बिका है। पास ही में एक और एवरेज ढेर है, एवरेज ढेर शुरुआत करने का कारण यही है कि बहुत सारे व्यापारी भाई बेचारे घर परिवार ही संतरा चल रहा था, कहीं ना कहीं हमारी वजह से उनकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनसे क्षमा भी चाहेंगे, पर हमारा मन किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है, हमारी हमारा तो विचार ये है कि हम किसान के बेटे, किसान को फायदा मिले, लेकिन साथ में उन व्यापारी भाइयों को भी कहीं ना कहीं सटीक जानकारी मिल जाए, सटीक भाव मिल जाए, इसलिए समझ चाहूंगा ये काम हमें करना पड़ा है किसान भाइयों, इसलिए हम कहीं ना कहीं आपको ये भाव भी बताना शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग से हल्के मालों का। एक और देख सकते हैं आप, क्वालिटी मेरे हाथ में मीडियम माल है, दागी माल है, आप देख सकते हैं दाग लगा हुआ संतरा के ऊपर में कुछ इस प्रकार का, ऐसे माल क्या बिक रहे हैं, हल्के माल दिखाने का कारण केवल ये कि जो व्यापारी भाई है उनको आप सही सटीक भाव में आप अपना बगीचा सौदा कर पाए। वजन की बात करें तो 12 क्विंटल 15 किलो, मण की बात करें तो 30 मण 15 किलो, और बिका है 18,000 रुपये, ये बिका है आपकी 17 रुपये किलो, 17 रुपये किलो की रेंज का माल है। पास ही में एक और ढेर है, एवरेज ढेर है, क्वालिटी की बात करें तो 205 दाना आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है, छोटी साइज का 41 नंबर दाना इसमें देखने को मिल सकता है आपको। क्या बिक्रा इसकी रेंज की बात करते हैं, नौ कुंटल 95 किलो इसका वेट है, मन की बात करें तो 24 मण 35 किलो, और बिका है आपके ये 15,000 रुपये, ये बिका आपके 18.5 रुपये समथिंग रेंज है इसकी, 18.5 रुपये किलो बिका है। पास ही में एक और ढेर है, हाँ, मीडियम रेंज का माल है, इसकी रेंज देखते हैं क्या बिका है। दाने की बात करें तो इसमें 51 नंबर दाना होगा 10-1%, 71 नंबर 20-30% और 41 नंबर लगभग 40-1%, गोली भी नाम मात्र ज़्यादा नहीं है। वजन की बात करें तो 12 क्विंटल 40 किलो, मण की बात करें 31 मण, और बिका है 25,000 रुपये, ये बिका है 20 रुपये किलो का माल है, एवरेज माल है, ऐसे माल 20 रुपये किलो बिक रहे दे सकते हैं। चलते हैं आगे, आपको और ढेर दिखाते हैं। पास में एक फुल रेंज का माल है, सबसे ऊपर में बिकने वाला लाट मेरी नज़र में तो अभी तक में ये है। दाने की अगर बात करें तो बहुत शानदार क्वालिटी का माल है, सबसे ऊपर में बिकने वाला लाट है, इसकी रेंज की बात कर देते हैं, देख सकते हैं आप हरा माल इसके अंदर में, और शानदार क्वालिटी है। 51 नंबर दाना इसके अंदर आपको लगभग 30% मिलेगा, 71 नंबर लगभग इसके अंदर 30%, 41 नंबर 20-1% का गोली तो है ही नहीं इसके अंदर, ये स्थिति, बहुत शानदार क्वालिटी का माल है। क्या बिका, 20 क्विंटल 40 किलो, और मण की बात करें तो 51 मण, और बिका है आपके 55,000 रुपये, सबसे ऊपर में बिकने वाली क्वालिटी है, ये बिके आपके 27-28 रुपये की रेंज का माल है। इसमें फिर भी थोड़ी कमी है, 41 नंबर दाना है इसके अंदर में, अगर और साइज अच्छी होती है तो मेरे हिसाब से 30+ मार्केट आज अपन पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में आपको 41 नंबर दाना देखने को मिल सकता है, देख सकते हैं। अगर 71 नंबर दाना होता इसके अंदर में तो 30+ भी हो सकता था, तो कहीं ना कहीं अपन बाजार को आज 30+ पकड़ सकते हैं, ये 28 रुपये समथिंग रेंज आएगी, 27-28 रुपये की इसकी रेंज है। चलते हैं आगे, आपको एक और एवरेज ढेर है, पासिंग इसकी रेंज दिखाते हैं, ये रेंज क्या बिक रही है। यहाँ पे गाना चल रहा है इसलिए समझ चाहूँगा इसकी पास चल सकते हैं, कॉपीराइट की समस्या आएगी हमको। एक और पास फुल पका हुआ पीला ढेर है, देख सकते हैं, कोई कोई हरा दाना भी इस देखने को मिल सकता है। क्या बिक रहा है इसकी रेंज की बात करते हैं, बीस कुंटल 45 किलो, मण की बात करें तो 51 मण 5 किलो, बिका है 53,000 रुपये, ये बिका है लगभग आपके 27-27.5 रुपये समथिंग इसकी भी रेंज है। अच्छा पका हुआ माल है, शानदार क्वालिटी है, ये भी सेम रेंज है उसकी, 27-27.5 रुपये समथिंग रेंज का माल है, बढ़िया क्वालिटी अच्छी बिकी है। एक और माल आप देख सकते हैं, 41 नंबर और 205 नंबर इसमें देखने को मिल जाएगा आपको, गोली भी है और 41 नंबर दाना भी आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं आप माल क्या बिका इसकी रेंज भी देखते हैं। अठारह कुंटल 55 किलो उसका वेट है, मन की बात करें 46 मन 15 किलो, बिकाए 42,000 रुपये, ये बिकाए आपके 22 रुपये समथिंग। माल बहुत शानदार शाइनिंग करता हुआ, बिना किसी बीमारी का, ना तो काली मस्सी है ना मक्खी है, इस कारण से अच्छा बिका है माल, एकदम फ्रेश है, मतलब छोटा जरूर है पर फ्रेश, बहुत शानदार लग रहा है, मतलब माल की क्वालिटी बहुत शानदार है। पास से मेरे को इससे मिलता जुलता ढेर,
देख सकते हैं आप माल क्वालिटी की अगर बात करें तो सेम ऐसे क्वालिटी से मिलती जुलती क्वालिटी है। क्या विकास की रेंज की देखते हैं, इसमें हल्की सी मक्खी की शिकायत है, कोई को दाना से मक्खी वाला नजर आ रहा है। वजन की बात करें तो 16 कुंटल 20 किलो उसका वेट है, मन की बात करें तो 40 मन 30 किलो और बिका है आपके 36,000 रुपये। ये बिका है आपके लगभग 22 रुपये समथिंग रेंज का माल है, 20 प्लस बिका है मतलब माल। पास ही में एक और हरा माल है, दानेदार माल है और साइज की अगर बात कीजिए इंकॉन नंबर 71 नंबर दो तरह के दाने इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्वालिटी दे सकते हैं आप इस प्रकार की। ऐसे माल अच्छे नहीं बिकते क्योंकि थोड़ा ये दिखने में इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि आजकल के जो दिखता है जो बिकता है जो अधिकतर सिटी में जो माल खरीदते हैं जो फल खरीदने वाले लोग होते हैं उनको चाहिए एकदम शाइनिंग करता हुआ माल, ये माल वो शाइनिंग नहीं कर पाता क्योंकि इसमें दानेदार कुछ अटपटा सा नजर आता है, इस कारण से थोड़ा सा ये कम बिकता है। वजन की बात करें तो 15 कुंटल 30 किलो, मन की बात करें तो 38 मन 10 किलो और बिका है ये 34,000 रुपये। ये बिका है आपके लगभग 21-22 रुपये, ये और अच्छा बिकता अगर से दानेदार क्वालिटी नहीं होती है, शाइनिंग वाला माल होता तो 25 प्लस बिक जाता, अच्छी क्वालिटी का माल है उससे। चलते हैं पास में एक और ढेर है, आज पक्की स्थिति का माल है, ना तो हरा ना पीला, आज पक्की वाली स्थिति का माल है। 41 नंबर दाना भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा और 71 नंबर इसमें देखने को मिल जाएगा। क्या विकास की रेंज की बात करते हैं, 19 कुंटल 65 किलो उसका वेट है, मन की बात करें तो 50 मन 5 किलो और बिका है आपके ये 50,000 रुपये दे सकते हैं। ये 25 रुपये किलो की रेंज का माल, माल बहुत शानदार शाइनिंग करता हुआ माल है दे सकते हैं, शाइनिंग बहुत प्यारी है, अच्छी शाइनिंग वाला माल है। पास में फुल पीला पका हुआ ढेर है, शाइनिंग वाला ढेर है, मक्खी है पर नाम मात्र, इतनी ज़्यादा मक्खी नहीं, मक्खी देख सकते हैं है मक्खी पर नाम मात्र, देखते हैं क्या बिका, अच्छी साइज है शानदार। सत्रह कुंटल 90 किलो का वेट है, मन की बात कर 44 मन 30 किलो बिका 46,000 रुपए लगभग लगभग, ये भी आपके 24-25 रुपए समथिंग इसकी रेंज है, शानदार बिका, अच्छा बिका, क्वालिटी बहुत शानदार है, 24-25 रुपए की रेंज का माल। पास ही में एक और रेट देखते हैं, इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो दानेदार माल है, मीडियम साइज फुल साइज जूता का दाना आपको सुनने देखने को मिल जाएगा, 71 नंबर 41 नंबर 17 दाना आपको सुनने देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं क्वालिटी आप। क्या बिकी इसकी रेंज की बात करते हैं, माल एकदम शाइनिंग करता हुआ अच्छा, अच्छी क्वालिटी का माल है। वजन की बात करें तो 19 कुंटल 30 किलो, मन की बात करें तो 48 मन 10 किलो और बिका है आपके ये 48,000 रुपये, बिका लगभग लगभग 25 रुपये समथिंग रेंज का माल है, 25 रुपये किलो की रेंज का माल है। पास में एक और ढेर से मिलता जुलता ही सेम जैसे ढेर अभी अपन ने देखा था उसका मिलता जुलता ढेर, क्या बिका है देखते हैं इसको। 18 कुंटल 30 किलो उसका वेट है, मन की बात करें तो 45 मन 30 किलो और बिका है 43,000 रुपये, लगभग लगभग 22-23 रुपये समथिंग इसकी रेंज, 22-23 रुपये किलो बिका है। पास ही में एक और ढेर है, हरा और पीला दो तरह का माल मिक्स है, हरा जो माल है इसके अंदर उसको करने जैसा माल है, एकदम देखो टाइट एकदम शानदार अच्छी क्वालिटी का माल है, और पीला माल भी इसके अंदर में देखते क्या बिका है। 20 कुंटल 45 किलो, मन की बात करें तो 51.5 किलो और बिका है आपके ये 53,000 रुपये, ये बिका आपके 26-26.5 रुपये समथिंग इसकी रेंज है, 26.5 रुपये किलो बिकने वाला। पीला माल जो लूज पड़ चुका है उसकी रेंज देखते क्या बिका, फुल पीला पका हुआ ढेर है देख सकते हैं, शाइनिंग करता हुआ माल है प्यारा एकदम, और हल्का डलपन आया मतलब उसमें डलपन आ चुका है, मतलब उतार आ चुका है इस माल का, थोड़ा रुखापन आ चुका है देख सकते हैं आप क्वालिटी। क्या विकास की रेंज की बात करते हैं, वजन की बात करें तो 17 कुंटल 25 किलो, मन की बात करें तो 43 मन 5 किलो, बिका है 29,000 रुपये, ये बिका है आपके 17.5 रुपये किलो की रेंज का माल, थोड़ा डलपन की वजह से ना ये भी 20 प्लस बिकता है क्योंकि माल पीला पका हुआ शानदार है, लेकिन डलपन इसके अंदर में हल्के से कोई दागी संतराई भी देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह की मक्खियाँ कोई कोई इसमें देखने को मिल जाएगी और डलपन भी इसके अंदर में, इसलिए थोड़ा सा कम बिका है। पास ही मेरे को थोड़ा बहुत डल माल है, इसकी रेंज देखते हैं क्या बिका, काली मिर्ची का शिकार भी है, क्या बिका है इसकी रेंज की बात करते हैं। 7 कुंटल 35 किलो, मन की बात करें तो 18 मन 15 किलो और बिका 10,000 रुपये, ये बिका आपके लगभग लगभग 11.5-12 रुपये समथिंग इसकी रेंज होगी। ठीक है भाइयों, साथ में निवेदन का विशेष ध्यान रखिएगा, आज में अगर बाजार ठीक हुए तो कल में माल का प्रेशर क्रिएट ना करें, अभी माल थोड़ा रुक रुक के लाए, अगर आपको माल 3 ट्रैक्टर लेके आने हैं तो आप एक ट्रैक्टर लेकर आए, या अगर आपके एक ट्रैक्टर माल है तो एक दिन छोड़ के एक दिन लाए, ताकि ये बाजार में प्रेशर क्रिएट ना हो, और प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो किसानों को अच्छा भाव मिल पाएगा। साथ में एक और अपील,
हमारी तरफ से आपसे ये रहेगी, व्यापारी भाई को पूरा पूरा समर्थन दे, जिनका चूल्हा आप लोगों की वजह चल रहा है उनका विशेष ध्यान रखें। मंडी में आप आते हैं फिर वही भाव बेच जाते हैं या उससे एक दो रुपये ठीक मिल जाते हैं, तो एक आधे रुपये में अगर आप बगीचे में सौदा करते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। कारण ये है कि वो एक दो रुपये का तो आपका तोड़ खर्चा ही लग जाता है, आपका यहाँ पे मतलब लाने का भाड़ा वगैरह बहुत सारा खर्चा जो आप मेहनत करते हैं तुड़ाई कराते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बेचारे अगर वो साथ दे रहे हैं आपको अच्छे में, अगर आपका समर्थन कर रहे हैं एक दो रुपये में कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर मान लो 17 रुपये की रेंज का माल है तो आप उनको 16-15-16 में आप कर सकते हैं, एक दो रुपये उनको मार्जिन दे ताकि उनका भी घर परिवार चलता रहे। साथ में निवेदन ये ध्यान रखिएगा विशेष माल में प्रेशर क्रिएट ना करें। साथ में निवेदन एक आपसे ये भी है कि हमें आर्थिक सपोर्ट जो भी करना चाहते हैं वो फोन पे में हमारा फोन पे नंबर रहेगा, जिनकी जो क्षमता हो 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये जैसे आपकी क्षमता हो हिसाब से कब कर सकते हैं, जिनको और अधिक सपोर्ट करना सुपर थैंक्स कर सकते हैं, और फेसबुक पे देखने वाले भाई स्टार सेंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, जय श्री राम, मिलते फिर कल वापस।